पिताजी अब तक बाहर आए क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया? पिताजी आप कब समझेंगे कि आपकी लाइफ का असली हीरो मैं हूं? पृथ्वी वो गिल्ली डंडा प्लेयर नहीं, वो लूजर लूथरा है। एक सेकेंड, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों मिलकर मेरे खिलाफ? ये तो मेरा ड्रीम सीन है, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। आई लव यू करण सर। आई लव यू टू, तू मेरी रियल फैन है। हम तुझसे सब नफरत करते हैं पृथ्वी, क्योंकि तू दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। क्या यार पृथ्वी, से नेगेटिव सपने क्यों देखता है? हाँ बोलो पृथ्वी, तुम कहाँ हो? तो मोनिशा को ड्रॉप करने गए थे। मैंने मोनिशा को कॉल किया था, उसने मुझे बताया कि तुमने तो उसे बहुत देर पहले घर ड्रॉप कर दिया, तो अब तक तुम घर क्यों नहीं लौटे? अरे लेडी कांस्टेबल शांता भाई, तुम्हारे सवालों की दुकान कभी खत्म ही नहीं होती। सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगा। ओके बाय। पृथ्वी को हो क्या गया? थोड़ी देर पहले अच्छे से डांस कर रहा था, मुझसे इतनी स्वीटली बात कर रहा था, और अब इतनी रूडली मुझसे बात कर रहा है। अरे कहाँ है ये बताने में उसे प्रॉब्लम है? मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि जब भी प्रीता का टॉपिक निकलता है या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहता है, तो पृथ्वी मुझे अलग करके धुतकार देता है। अरे ना ही कुछ बातें बताता है और मुझे बहाने अलग बनाने लग जाता है। I'm sure, वो प्रीता से ही मिलने गया होगा, लेकिन प्रीता तो घर पे होगी नहीं। अब तक तो उसे पता ही लग गया होगा ना कि करण जेल में है। इसका मतलब है कि पृथ्वी भी पुलिस स्टेशन गया है। अगर पृथ्वी मुझे पुलिस स्टेशन के आसपास भी मिल गया ना, तो उसका वो बुरा हाल करूंगी ना कि मुझे डबल क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे समझता क्या है अपने आप को? जरा देखो तो जिस प्रीता और पृथ्वी के बीच में चल क्या रहा है। एक मिनट, तुम इन सब की चश्मदीद गवाह हो? थोड़ी मीन, तुम्हें कैसे पता कि मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया था, मुझे फंसाने की कोशिश की गई? मैं मानता हूँ, मैं लड़कियों से मिलता हूँ पार्टीज में, फैन है मेरी, कभी सेल्फी क्लिक कर ली, कभी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम कैसे जानती हो सब कुछ? करण, क्योंकि मैं भी उस पार्टी में थी ना, और मैं अपनी आंखों से देख रही थी जो कुछ हो रहा था। तुम शराब पीते जा रहे थे। शराब पे शराब नहीं, मैंने सिर्फ एक पैक पिया था, और मुझे ये बात समझ में नहीं कि एक पैक में मुझे इतना नशा कैसे हो गया। नॉर्मली भी मैं पार्टीज में थोड़ा बहुत पीता हूँ, लेकिन इतना नशा कभी नहीं हुआ। सही कह रहा तुम, इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत नशा हो गया था। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी पूरी बॉडी कांप रही थी, लड़खड़ा रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे, मतलब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यही देखकर तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया, तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। तुम्हें पता है, मैंने पृथ्वी जी को कुछ ना कुछ बहाना लगा दिया और तुम्हारे पीछे निकल पड़ी तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जहाँ तुम बैठे हुए थे वहां तुम नहीं थे, और वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो भी वहां नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह जाकर देखा, और फिर तुम मुझे लिफ्ट के पास मिले, लेकिन जितनी देर में भाग के तुम्हारे पास आ पाती उतनी देर में उस लड़की ने तुम्हें लिफ्ट के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद हो गया। मुझे समझ भी नहीं आ रहा हुआ क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे साथ सब कुछ हुआ और मुझे ही नहीं याद। इतना ही नहीं करण, मैंने देखा कि लिफ्ट 8th फ्लोर पर जाकर रुकी है, और मैं सीढ़ियों से 8th फ्लोर पर गई तुम्हें ढूंढने के लिए, और मुझे तुम एक कमरे में मिले उस लड़की के साथ। तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद कुछ चल रहा है, और मैं पलट कर जाने लगी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी आवाज आई, तुमने गुस्से में कुछ बोला, और मैं भाग के तुम्हें देखने आई, तो मैंने देखा कि वो लड़की अपने आप को तुम पर गिरा रही है। तुम्हें होश नहीं था करण, लेकिन फिर भी तुम गुस्से से उसे हट जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं सीधा कमरे के अंदर घुस गई, और उस लड़की की मैंने इतनी खबर ली, उसको मैंने कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं मैनेजर को फोन करके धक्के मरवा के बाहर निकल। तो वो उल्टा मुझे धमकाने लगी, कहती कि अपने मंगेतर पर ध्यान दो, करण पर क्यों? किसी तरह डांट फटकार कर मैंने उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे शायद ब्लैक कॉफी लानी चाहिए। जैसे ही निकलने लगे, तुमने मेरा हाथ खींच कर। I promise कि मैं तुम्हें पृथ्वी से दूर ले जाऊंगा, भगा के मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो मैंने रियलाइज किया कि तुम कुछ भी कह रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे,
तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने सोचा मैं नीचे जाकर रिसेप्शन पर होटल के डॉक्टर को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हारा चेकअप कर सके। और जैसे ही मैं निकली, उस लड़की ने ये कहा ना कि तुमने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की, तो एक बार जब उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया था मैंने, तो वो वापस क्यों आई? अरे तुम तो होश में भी नहीं थे। तुम वापस क्यों नहीं आई? मैं आना चाहती थी करण, लेकिन शायद मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि हड़बड़ी में मैं वेटर से टकरा गई और सारा मैंगो जूस मेरे कपड़ों पे गिर गया। मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं काफी देर तक अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाई। एक मिनट दी, ये सब सुनकर तो यही साबित होता है कि किसी ने 100% करण सर को फंसाने की जी तोड़ मेहनत की है, और उसने आपको भी बाथरूम में लॉक कर दिया ताकि आप करण सर की हेल्प ना कर सको। मतलब ये जो कोई भी है ये जानता है कि अगर प्रीता करण के पास रहेगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। सर ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, हो ना हो इसमें कोई 2 लोग इन्वॉल्व है। करेक्ट, मैं जानता था मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर आपको किसी पे शक है? एनी आइडिया हु इज इट? गलती से भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि प्रीता जी तुझसे मिलने आएंगी यहाँ पर। नहीं मिलने आएंगी तुझसे, वो किसी आवारा बदमाश लड़के के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। वो वैसे प्रीता मेरी हर बात पे यकीन करती है, लेकिन मैं जैसी पृथ्वी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो वो मानने को तैयार नहीं होती। क्या सबके पीछे पृथ्वी तो नहीं है? जो कुछ भी मैं जानती हूँ ना, मुझे जाकर इंस्पेक्टर को बताना चाहिए। लेट मी गो एंड टेल हिम। आप जाके इंस्पेक्टर को यह बताओगे कि आप करण सर के साथ अकेले रूम में थे? अरे मैं बाहर जाकर इंस्पेक्टर को बताऊंगी जो मुझे पता है, जो सच है। क्यों ना बताओ? मुझे एक सवाल का जवाब दो और नोट डाउन, ये सवाल आपको ये पुलिस वाले भी पूछेंगे कि आप करण लूथरा के साथ अकेले रूम में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? कि सब बेहुदा सवाल है सृष्टि, मैं करण की मदद करना चाहती थी इसलिए वहां थी। कौन करण? क्या लगता है वो आपका फ्रेंड? दिया अब ये मत भूलो कि आप फिजियो हो। आई एम श्योर आईसीबी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया होगा कि किसी भी स्टाफ का किसी भी प्लेयर के साथ फ्रेंडली होना नॉट अलाउड। तो मुझे रूल्स बता रही है? रूल्स तो अभी पता लगे हैं ना, लेकिन करण और मेरी दोस्ती तो पहले से है। करण की वो हालत मुझसे देखी नहीं गई, मैं चुप कैसे बैठती? दी आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने देखा कि ये नशे में है तो आपने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? आपको पता था ना कि समीर उसी पार्टी में है, तो आपने उसको क्यों नहीं फोन किया? आप क्यों किसी को फोन करने लगी? आपको तो दी करण लूथरा के साथ टाइम स्पेंड करने मिल गया ना रूम में। I mean, एक मिडिल क्लास लड़की एक अमीर लड़के के बारे में ऐसा ही तो कुछ सोचेगी ना? सृष्टि दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की? दी प्लीज मुझे मारना नहीं, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन किए है ना, ये पुलिस वाले आपको यही सवाल पूछेंगे बाहर जाके कि आंखों देखी सच्चाई आपने जो हमें बताई है ना, अगर यही चीज आप पुलिस वालों को बोल दो ना तो उनके रिएक्शन देखने लायक होंगे। दी आपकी सच्चाई की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो मैं क्या करूं? तूने मुझे कहा था ना कि जाके करण की हेल्प करते हैं, तो आप मुझे क्यों रोक रही है? अरे तो आप सपोर्ट कर ही तो रहे हो करण सर को, इनको कितना अच्छा लगा होगा जब आपने कहा कि यू ट्रस्ट हिम। इनको आपकी वजह से इनको कितना हौसले कितनी हिम्मत मिली, आई एम श्योर। दी आपने अपनी आंखों देखी सच्चाई करण सर को बता दी है ना, अब करण सर यही सच्चाई ऋषभ जी और उनके लॉयर को बताएंगे। हो सकता है कि ये लोग किसी जासूस को हायर करें और इस केस की पूरी छानबीन हो उस लड़की के बारे में, करण सर के बारे में। हो सकता है कि वो लड़की करण सर से प्यार करती हो और करण सर ने मना कर दिया होगा, इसी चीज का बदला लेने के लिए करण सर के साथ ये सब किए जा रही है। और अगर ये करण सर की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको किसने भेजा करण सर को फंसाने के लिए? अरे इस साजिश के पीछे कौन है ये तो पता लगाना जरूरी है ना दी। वो सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं आई विटनेस हूँ। वो लोग मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? और ऑनेस्टली लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या बोलते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें कुछ तो करना होगा, करण को इस तरह जेल में नहीं रहने दे सकते। द राइट थिंग इज कि मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए। हाँ छोड़ सृष्टि, सर आंटी को बता के आई हूं कि मुझसे मिलने आ रही हो। बताने वाली थी, जानता था मैं, बताने वाली थी। प्रीता मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता, मैं नहीं होने दे सकता ये। अरे बुआ ने थोड़ी बातें बोली थी तुम्हारे खिलाफ, आंटी को कितनी ठेस पहुंची थी, कितनी दुखी हुई थी वो। और एक बात बताओ, सृष्टि सही कह रही है ना,
क्या जवाब दोगी सबको? सोसाइटी को, पुलिस वालों को, हम सबको क्या जवाब दोगी कि तुम करण लूथरा के रूम में क्या कर रही थी, क्या चेक करने गई थी कि मैं उस लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ, ये चेक करने गई थी? क्या जवाब दोगी बताओ? मैं कहूंगी कि मैं तुम्हें उस लड़की से बचाने गई थी क्योंकि तुम खुद को बचाने की हालत में नहीं थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। मेरा सच्चाई पुलिस को बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई और कुछ नहीं कहेगा क्योंकि किसी और के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। सच्चाई मैं जानती हूँ, तो मुझे बताना चाहिए। करण, मेरे अलावा इस वक्त कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। खुद को बचाने से रुक कर। प्रीता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस ला कर रहूंगा। तो नहीं कर पाया, लेकिन अब किसी ने मेरी वजह से अगर तुम पर उंगली उठाई ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रीता, अगर ये सब हुआ ना, तो मैं टूट जाऊंगा यार, दिल टूट जाएगा। करण प्लीज, मुझे इतनी सी मदद करने दो। सरा सी बात हुई थी हमारे घर में, वो ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था। आंटी के दिल को कितनी ठेस पहुंची थी। तुम उनका अभिमान हो, अगर ये सब हुआ ना, तो हर कोई उनके अभिमान को ठोकर मारेगा। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए प्रॉमिस मी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ ना मैं आंटी के लिए, तुम्हारे लिए। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रहन करूं ना चैन करूं। सजदा गॉड, मुझ पर रहम करो। इन दोनों को आपस में छप्पी मत लगने दो। मानता हूं कि मैंने हमेशा तुमसे दुआ मांगी है कि मेरे सारे सपने सच कर दो, लेकिन ये वाला सपना नहीं, हरगिज़ नहीं। प्लीज गॉड, इस सपने को मेरी मेमोरी से डिलीट कर दो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वरना अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं ना, तो ये नजारा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर। और कहीं ये नजारा अगर सच हो गया, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। प्लीज गॉड, मत लगने दो इनको झप्पी। ओ भाई, हेलो। ओए, क्या? अरे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो यार। देखो, तुमने बहुत ही गलत वक्त पर मुझे डिस्टर्ब किया है, और इससे पहले कि मेरा दिमाग अंदर बहुत गलत हो रहा है, और मुझे अंदर जाकर उस गलत को ठीक करना है। So don't disturb me, okay? तुम तो करण से मिल चुके हो ना, तो अब किस लिए रुके हो? नहीं, मैं पंखा हूं, उनका पंखा। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझे? तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये जो मेरा डंडा है ना, इसे धुलाई करना बहुत अच्छा लगता है। सैंपल दिखाऊं क्या? नको, सैंपल नको पाइजे। किती पाइजे? सांग ना, मी देतो है तुला। एक काम करता हूँ, तुझे रिश्वत देने के जोर में अंदर कर देता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा कि किस हवलदार से पाला पड़ा है? देख, तू तमीज से बात कर, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तो सैंपल मैं चल पड़ा, तुझे दिखाता हूँ तमीज। ठाकरे दादा, काय करतो है तुम्ही? मी जातो है, मी पर जाऊं, डोंट वरी। पांच किया, 50 मिनट रुकूंगा अंदर, और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुझे। दीदी, अगर ऐसी ही बात है ना, तो जरा 2 मिनट अपने दिल के अंदर झांक के देखिए। अगर आप यही चाहते हैं कि कोई रिश्ता ना टूटे और कोई परिवार ना अलग हो, तो फिर आप अपना परिवार छोड़ के यहाँ अपने मैके
कुछ कहना है आपको? करीना दी, I'm really very sorry. मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. पता नहीं तेज में आके मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कह दी. सॉरी, उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ तो खुद को माफ नहीं कर पा रही. जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मुझे चैन नहीं आएगा दीदी. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी. भाभी प्लीज, प्लीज संभालिए अपने आप को. मैं तो उस इंसिडेंट को कब का भूल चुकी हूँ भाभी. जिस तरह पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर के साथ लड़ रही थी, साफ नजर आ रहा था कि आप मेरे करण ऋषभ से कितना प्यार करती हूँ. एक पल के लिए भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे बच्चों को जेल में बंद कर रखा है. एक पल के लिए तो यूं लगा कि मैं नहीं, आप उनकी माँ हो. कितना प्यार करती हो आप उनसे. Once again, sorry. माफ कर दीजिए. भाभी, जितना प्यार मैं कृतिका से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं करण और ऋषभ से भी करती हूँ. मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है, मैं जब भी उस प्रीता के बारे में कुछ भी कहती हूँ ना, अब अपसेट हो जाती है. पता नहीं कौन सा लगाव है आपका उस लड़की के साथ. पर भाभी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. आप ना आंखें मूंद के किसी पे भरोसा कर लेती हैं, पर मैं आपकी तरह नहीं. मैं अलग हूँ. मैं हर इंसान को एक अलग नजरिए से परखती हूँ. पर भाभी, माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी है. किसी और की वजह से मैं भी आपको कितना कुछ सुनाती रहती हूँ. मुझे माफ कर दीजिए. नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए. आप मुझसे बड़े हो. I am sorry. मुझे माफ कर दीजिए. प्लीज. अगर आपसे तुम्हें इजाजत देती तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं. और करण, अगर आज मैं तुम्हें इस मुसीबत से नहीं निकल पाई ना, तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी. मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाई. करण, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो फिर मैं चुप कैसे बैठूं? दुनिया जो तुम्हारे बारे में कह रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है. You don't worry about me. मेरा पूरा परिवार है, ऋषभ है, मॉम डैड सब है. और तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, वो क्या काम है? हाँ, निशान देखे तुमने क्या किया. तुमने तो वो अनजान दुश्मन की सारी सच्चाई मुझे बता दी. अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा. तुम देखना, तुम्हारी सच्चाई की वजह से मैं बाहर निकलूंगा. तुम्हारी वजह से तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, तुम्हारी सच्चाई वेस्ट नहीं जाएगी. थैंक यू. तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलती है. मैडम, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया. दुनिया भी अजीब है ना. जो लड़की सच बोल रही है उसका कोई यकीन नहीं कर रहा, और जो लड़की सबको बेवकूफ बना रही है उसे सबकी हमदर्दी मिल रही है. But you don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा.